हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखो दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं दरवाज़ा बनाने का तरीका। इसमें हमने देखिए पहले बीम बनाई, पहले ठाड़ी कर लिए और चिनाई कर दी। देखिए इस तरह से चिनाई हो चुकी है हमारी चारों बगल। बीच में हमें मेहराब बना रहे हैं, तो मेहराब के लिए देखिए हमने जाल बांध लिया है। और पीछे हमने एक कच्ची दीवार बनाई है मिट्टी से, मिट्टी से ही प्लास्टर कर लिया है। उस पर हमने मेहराब खिंचा ली है पहले, फिर उस हिसाब से हमने जाल बांध दिया है। जिस हिसाब से हमने मेहराब खिंचाई थी उस हिसाब से हमने इसमें जाल बांध दिया है। आप देख सकते हैं जाल काफ़ी मजबूती से बांधा है हमने, करीब दो दो तीन तीन इंच पर हमने सरिया डाला है इसमें। देखिए इसमें हमने प्लास्टर कर दिया है, जो जाल बांधा था ना उसी में हमने करीब 4 इंच मोटा प्लास्टर कर दिया है। अब हम उस मेहराब को जो हमने पहले खिंचाई थी, जो नक्शा बनाया था, वो दोबारा खिंचाएंगे उसके लिए। अब इसमें प्लास्टर करके मेहराब बनाने में ये क्या होता है, जो आपने पहले खिंचाई हो उसको नाप ध्यान रखिए। जहाँ से जैसा नाप लिया है जैसे उस हिसाब से नाप लीजिए और दोबारा बनाइए, नहीं तो आपका सरिया निकल आएगा काटने में। तो आप इस हिसाब से देखिए हमारा ये प्लास्टर हो चुका है। अब हम इस पर खिंचाएंगे डिजाइन। देखिए हमने पहले ही 20 सेंटर लिया, 20 सेंटर से सॉल लटका लिया, तो हमारे नीचे का 20 सेंटर निकल आया। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और धागा के सहारे से परकाल घुमा देंगे। देखिए एक कील लेंगे और धागा लेंगे, तो हमारी ये परकाल घूम जाएगी बड़ी वाली। देखिए ये हमने 5 इंची करके बनाई है, तो हमारा 10 इंच का गोला बन जाएगा। ये हमने दो परकाल घुमाई है, एक पाँच 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 इंच की खांची से। देखिए हमने छोटी परकाल सरिये की परकाल ली है, उससे हम घुमा घुमा करके देखिए हमारी ये परकाल से हम मेहराब बना देंगे। देखिए इस हिसाब से घुमा करके हम ये हमारी मेहराब खिंच चुकी है। जैसे हम सेम पहले बनी थी सेम उसी तरह से ही हमने मेहराब खिंचा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मसाला है उसको निकाल देंगे, तो हमारी मेहराब बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस हिसाब से कटिंग कर लेनी है, आधी मेहराब हमारी कट चुकी है लगभग। अब बाकी का काम हम ऊपर का दिखाएंगे, क्योंकि इसमें छत डलने के बाद ऊपर हमें राम दरबार बनाना है, मतलब राम और जानकी की फो चित्र बनाना है। इसमें मूर्ति बनाएंगे हम दीवार में चिपकी हुई, दो मोर बनाएंगे ऊपर और दो छोटे छोटे सी शिखर बनाएंगे मटकी टाइप में। एक बीच में छोटी सी बनाएंगे तो बहुत भव्य दरबार लगेगा देखने के लिए। देखिए इस हिसाब से हमने ये चिनाई कर ली है, जो ये बीच का गोल दिख रहा है इसी में हम मूर्ति बनाएंगे राम जी की और सीता जी की। देखिए हम ऊपर की जो छोटी कलश टाइप की मटकी है उसकी हम चिनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे से, सामने जगह नहीं है, नहीं तो सामने से आपको दिखाते वीडियो, ये पीछे छत से दिखा रहे हैं। इस हिसाब से हमने चिनाई की है। अभी दो छोटी मटकी की और चिनाई करेंगे हम कलश की। ये आपको जो सरिये लगे दिख रहे हैं, ये हमने मोर के लिए सरिये करे, इसको हमने जाम कर दिया है, ये घुमा के लगाए हैं। इसमें मोर के पैर बनाएंगे हम, इसलिए जाम कर दिया है कि जैसे मजबूती से जाम हो जाएंगे तो हमारी मोर हिलेगी नहीं और आसानी से हम जाल बना करके मोर बना देंगे। देखिए अब हम नीचे की चिनाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम छोटी मटकी बना रहे हैं, जो हमने रिंग बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि जैसे रिंग रख देंगे ना, तो हमारे जो ईंटें होंगी, क्योंकि हमें बाहर निकाल करके चिनाई करनी है, तो हमारी फटेगी नहीं, मतलब गिरेंगे नहीं, इससे वजन एक साथ तुला रहता है रिंग के जरिए। तो आपकी इस हिसाब से देखिए ईंटा हमें बाहर निकाल के रखना है, यदि हम रिंग नहीं लगाएंगे तो हमारे ये घूमेगी
खम्भे नीचे से फट जाएंगे, गिर जाएंगे अभी हम, तो इसलिए हमें रिंग डालते हैं इसमें कि आसानी से बन जाएगी। वही इन ईंटों के लिए हमने पहले ग्राउंडर से काट लिया था, जो कि तिरछा करके काटा है, तकोनी करके, और नीचे से तिरछा कर दिया है, तो हमारी आसानी से मटकी बन जाएगी। तिरछी तिरछी करके हमें गुम्मा काट रखे हैं, देखिए आप देख सकते हैं ईंटों को। तो एक साइड की हमारी चिनाई हो चुकी है, मतलब दूसरी साइड देखिए हम इसमें फिर से देखिए सेम उसी तरह से ईंटी लगाएंगे और एक नाप रखेंगे दोनों मटकी का। देखिए चारों बगल ईंटी एक साथ इसलिए लगा दें कि हमारी वजन जो सरिया रखा है ना रिंग, उसका वजन एक साथ तुला रहे। अब इस पर आप चाहे जैसे चिनाई कर सकते हैं, देखिए तो हमारे ये फटेंगे ही, निकलेंगे नहीं ईंटे। बढ़िया गीला मसाला तेज करके हमने इसमें डाल दिया है, इससे जो दर्ज है इसकी वो बढ़ जाए अच्छी तरह से। वो बीच सेंटर में हमने ये सरिया खड़ा रखा रखा है, ये सरिया ऊपर तक जाएगा, इसलिए कलश लगेगा, छोटे छोटे कलश लग जाएंगे दरवाजे पर। इसी के सहारे से हमारी ये चिनाई हो जाएगी, देखिए इस हिसाब से एक की चिनाई हो करते गए हम दूसरे की कर रहे हैं। इसमें हम एक मटकी में दो रिंग डालते हैं, अब एक रिंग वो डाल दी हमने बीच में, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, मंदिर संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और सामने स्क्रीन वीडियो के नीचे दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ से भी आप नंबर लेकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काम करवाना हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। देखिए इस तरह से हमारी इसमें भी देखिए हमने दो सरिये खड़े कर रखे हैं, जो मटकी है ये हम मोर के लिए खड़े रखे हैं। आगे जो सरिये खड़े हैं तो राम दरबार की जो गोलाई है उसमें पिलर में, उसमें हम एक पांव बनाएंगे, और जो यहाँ पर दो सरिये हमने खड़े कर रखे हैं मटकी में, इसमें हम यहाँ पर पूंछ टच करेंगे मोर की, तो हमारी दोनों साइड से मजबूत हो जाएगी, मोर कमजोर नहीं रहेगी, इसलिए हमने ये सरिये इसमें भी जाम कर दिए हैं। तो जब ये मटकी सेट हो जाएगी तो हम इसको मोड़ के सही कर लेंगे सरियों को, अभी सीधा खड़ा कर रखा है, जब हम मोड़ बनाएंगे तो इसको मोड़ लेंगे और पूंछ बना देंगे, यहाँ पर पूंछ आएगी मोड़ की जो भारक होती है। देखिए धीरे धीरे हमारी मटकी की चिनाई पूरी हो चुकी है। अब हम सामने पहले प्लास्टर करेंगे जो गोलाई बना रखी है हमने उसके अंदर, वो उसी जो प्लास्टर करेंगे उसी में हम चित्र बनाएंगे। देखिए हमने पहले प्लास्टर कर दिया है, इसी में हम पहले राम जी का चित्र बनाएंगे और फिर सीता जी का चित्र बनाएंगे, और फिर उसी हिसाब से हम इसमें मसाला लगाएंगे धीरे धीरे करके, जहाँ जैसे हमारा शरीर होगा उसी हिसाब से हम मसाला लगाएंगे हमारा ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए राम जी की मूर्ति की तस्वीर हमने बना ली है, बगल में हम सीता जी की तस्वीर बनाएंगे। इसमें हमने क्या किया है कि जल्दी बनाने के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने एक पन्नी पर हमने मूर्ति का आकार पहले से ही बना दिया था, और फिर जो प्लास्टर करने के बाद हमने इसमें चिपका करके थोड़ा उलझा दिया है, इससे जल्दी बन जाती है, क्योंकि अभी थोड़ा नाप तोल करने में प्लास्टर सूखता है, खिंचाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले से ही हमने
खिंचा रखी थी और इस पर चिपका करके जल्दी से उलझा दिया है, कार्बन कॉपी कर लिया है। ऐसे ही हम सीता जी क्या करेंगे, वो भी हमने पहले से ही खिंचा रखी है मूर्ति, वो देखिए इस हिसाब से उसको भी चिपका करके थोड़ा थोड़ा उलझा दिया था, और इसको भी हम खिंचा देंगे। सभी हमारी मूर्ति के चित्र बन चुके हैं, राम जी का और सीता जी का। इसमें धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कील ठोक लेंगे जिससे हमारा ये पकड़ मजबूत हो जाएगी, जहाँ जैसा मसाला आएगा तो उस हिसाब से हम मूर्ति में मसाला लगाएंगे। देखिए हमारी वो ऊपर की मटकी की हमने प्लास्टर कर दिया है, और ये दो किनार बनाई हैं हमने, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग आप अगले भाग में देखिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए हमारी।